हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब सेलें अलग अलग टाइप की हों, उनके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग टाइप के हों, तो उनको जोड़ने पर जो बैटरी बनती है उसका तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर सेलें बिल्कुल एक समान हों, उनके विद्युत वाहक बल भी एक जैसे हों और आंतरिक प्रतिरोध भी एक जैसे हों, तो जब हम उनको जोड़ के बैटरी बनाते हैं तो उस बैटरी से हम कितनी धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भी जोड़ने के हम दो क्रम लेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, यहाँ पर हम एक तीसरा मिश्रित क्रम भी लेंगे। तो पहले हम आते हैं हम श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का क्या मतलब हुआ कि जो सेलों की प्लेटें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला सेल है इसकी जो धन प्लेट है वो अगले वाले की ऋण प्लेट से जुड़ी है, ऐसे ही दूसरे वाले सेल की जो धन प्लेट है वो अगले वाले सेल की ऋण प्लेट से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो हालांकि चित्र में हमने तीन सेल दिखाई हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन की बजाय एन सेल जुड़ी हुई है। टोटल जो सेलों की संख्या है वो हमने एन मान ली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तुल्य विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सेल का विद्युत वाहक बल हमने कितना माना है, ई, और हमारे पास कितनी सेलें हैं, एन। तो हमारा जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा वो कितना हो जाएगा, एन इंटू ई, एक सेल का विद्युत वाहक बल गुणा सेलों की संख्या, जो हमने एन से डिनोट किया। वैसे ही आंतरिक प्रतिरोध देखेंगे तो इसका आंतरिक प्रतिरोध और टोटल कितनी सेलें हैं, एन, और ये किस में जुड़ी हैं, सीरीज में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सीधे जुड़े जाते हैं, तो आर प्लस आर एन पदों तक करते रहेंगे तो कितना हो जाएगा, एन आर। तो कुल विद्युत वाहक बल आ गया एन ई और कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया एन आर। तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कुल प्रतिरोध, बाहर का प्रतिरोध अंदर का, बाहर का कितना है आर और अंदर का टोटल कितना आ गया एन आर। तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा आर प्लस एन आर। अब परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है हमने, आई निकालनी है कि बैटरी से कितनी धारा मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर कुल विद्युत वाहक बल रख देते हैं एन ई और नीचे कुल प्रतिरोध रख देंगे, यानी आर प्लस एन आर। तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। तो ये क्या आ गया, श्रेणी क्रम में बैटरी से मिलने वाली धारा। यहाँ पर एन सेलों की संख्या है, ई सेल का विद्युत वाहक बल, आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध और कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध। तो हम देखते हैं कि ये जो श्रेणी क्रम है ये किस दशा में यूज करते हैं, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है या जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो इसमें हम पहला केस लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा है, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है, बाह्य प्रतिरोध कम है। तो ये जो बाह्य प्रतिरोध है इतना कम है कि इसको हम जीरो मान लेते हैं। इसको अगर हम जीरो मान लें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर। आई बराबर एन ई अपॉन एन आर, एन से एन भी कैंसिल हो गया, तो आई बराबर ई अपॉन आर। यहाँ पर ई क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक, आर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इनका जो अनुपात है वो किसको प्रेषित करेगा, आई डैश। आई डैश माने एक सेल से मिलने वाली धारा। यहाँ आई डैश का मतलब है कि एक सेल जितनी धारा दे रहा है, कि पूरी जो बैटरी है वो कितनी करंट दे रही है, जितनी एक सेल से मिल रही है, उसका मतलब हमको एन सेलों को जोड़ के कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। बैटरी क्यों बनाई जाती है, सेलों को क्यों जोड़ा जाता है, धारा ज़्यादा प्राप्त करने के लिए। तो अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो जो बैटरी से मिलने वाली धारा है वो एक सेल से मिलने वाली धारा के बराबर होगी, यानी बैटरी बना के हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। अब इसका उल्टा केस ले लेते हैं, यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो और बाह्य प्रतिरोध, सॉरी, यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, बाह्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में हम इसको जीरो मान लेते हैं। एन आर इतना कम है कि इसको हमने जीरो मान लिया, तो आई बराबर क्या बच गया हमारा, एन ई अपॉन आर। तो एन ई अपॉन आर माने एन इंटू ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर क्या है, एक सेल से मिलने वाली धारा। तो उसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर एन इंटू आई डैश। एन इंटू आई डैश का मतलब एक सेल से मिलने वाली धारा का एन गुना, यानी अगर हम तीन सेल जोड़ेंगे तो कितनी धारा मिलेगी, दस सेल जोड़ेंगे तो दस गुनी धारा मिलेगी। तो यहाँ हमारी धारा बढ़ जा रही है, यहाँ तो धारा उतनी रह रही थी जबकि यहाँ धारा बढ़ जा रही है। इस कंडीशन में हम श्रेणी क्रम का यूज़ करेंगे और इस कंडीशन में नहीं करेंगे। तो श्रेणी क्रम का इस्तेमाल कब नहीं करते हैं, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और कब करते हैं, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है। तो हम दूसरा क्रम लेते हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी सेलों की जो पॉजिटिव प्लेट है, जो प्लस प्लेट है, ये एक ही बिंदु से जुड़ी रहती है,
यहाँ से, और जो माइनस 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 प्लेट है ये एक दूसरे बिंदु से जुड़ी है, तो ये क्रम क्या कहलाएगा आपका, समांतर क्रम। मान लेते हैं प्रत्येक सेल का विद्युत विभव E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, बाहर का प्रतिरोध कैपिटल R है, और बैटरी से मिलने वाली धारा I है। और हालांकि हमने तीन के लिए डायग्राम बनाया, आप ऐसे मान लेना कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल हैं वो हमारी कितनी है N। अब इसमें आपने एक भूल याद रखना है कि जो कुल विद्युत वाहक बल होगा हमारा पूरे परिपथ का वो उतना ही होगा जितना एक सेल का है। एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है ई, उसका मतलब जो एन सेल का विद्युत वाहक बल है वो एन ही नहीं होगा, वो कितना होगा ई होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत वाहक बल एक टाइप का विभवांतर ही होता है, और हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर कॉन्स्टेंट रहता है, वो बढ़ता नहीं है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर हम वी मान लें या एक सेल का विद्युत वाहक बल ई मान लें, तो इसमें आप कितनी भी सेलें अटैच कर दो तो जो कुल विद्युत वाहक बल है ई रहेगा, वो ई से ज़्यादा नहीं होगा। तो समांतर क्रम के लिए रूल क्या करना है हमने कि परिपथ का विद्युत वाहक बल बराबर एक पंक्ति का विद्युत वाहक बल, तो एक पंक्ति का कितना है ई, तो पूरे परिपथ का भी कितना होगा ई, चाहे आप यहाँ तीन सेलें जोड़ो, पाँच सेल जोड़ो या दस सेल जोड़ो, जो कुल विद्युत वाहक बल है वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब आते हैं कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, और ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर। तो समांतर में कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, बट्टे करके। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 यानी 1/r प्लस 1/r, ऐसे हम करते रहेंगे जितनी सेलें होंगी n सेलों पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r हो गए, अगर 1/r होता 2/r होता, 3 बार होता तो 3/r, n बार है तो 1/r। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हो जाएगा r/n, इसका उल्टा कर देना। तो हमारा क्या आ गया, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब बाहर कितना प्रतिरोध है R, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अंदर का प्रतिरोध है बाहर का प्रतिरोध, यानी R प्लस R/N। तो अब हम निकाल लेते हैं कि बैटरी ने कितनी करंट दी, तो बैटरी ने कितनी करंट दी, जितना टोटल विद्युत वाहक बल है बाई जितना टोटल प्रतिरोध है, यानी E अपॉन R प्लस R/N। तो ये हमारी डायरेक्शन प्रूफ हो गई। इसको एलसीएम लेके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो एन आ जाएगा, एन आर प्लस आर हो जाएगा, और जो एल सी एम एन लिया वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आई बराबर एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। हमारे दो फॉर्मूले हो गए, आप किसी को भी याद कर सकते हैं या तो इससे या इससे, समांतर क्रम में ये फॉर्मूले यूज होते हैं। अब हम देखते हैं कि समांतर क्रम का यूज कब करते हैं, या आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है या कम होता है। तो उसके लिए वही कंडीशन मानते हैं, मान लेते हैं जो कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान है R/N। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आया था हमारा R/N, तो ये जो है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा है कि इसको हमने जीरो मान लिया, ये जो R है इसको नगण्य मान लिया, R टेंड्स टू जीरो। तो अगर इसको हम जीरो मान लें, कैपिटल R को जीरो मान लें, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन R। तो इस कंडीशन में जो बैटरी से करंट मिलेगी वो एन ई अपॉन R, अब ई अपॉन R माने एक सेल से मिलने वाली धारा, तो इसको चाहें तो आप एन आई डैश करके भी दिखा सकते हैं, एन आई डैश, आई डैश का मतलब एक सेल से मिलने वाली धारा। तो एक सेल से मिलने वाली जो धारा है उसकी एन गुनी धारा मिलेगी, यानी तीन सेल जोड़े हैं तो तीन गुनी, दस सेल जोड़े हैं तो दस गुनी धारा, यानी यहाँ पर हमको धारा का फायदा हो रहा है। तो इस कंडीशन में समांतर क्रम यूज करना चाहिए। लेकिन अगर इसका उल्टा केस हो, मान लेते हैं R/N कैपिटल R से बहुत बहुत छोटा है, तो उसका मतलब हम इसको जीरो मानेंगे R/N को, तो ये हमारा जीरो हो गया है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो आई बराबर क्या बचेगा हमारा, कर दी ई अपॉन आर। इस कंडीशन में बैटरी से जो मिलने वाली धारा है वो ई अपॉन आर के बराबर होगी। अब ई क्या है हमारा, एक सेल का विद्युत वाहक बल, तो इसको अगर रेजिस्टेंस से भाग देंगे तो आई डैश यानी एक सेल से मिलने वाली करंट मिलेगी हमको, तो उसका मतलब इस कंडीशन में हमको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए रूल क्या बना है कि अगर जोड़े गए सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हों तो उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और बहुत कम हो तो तब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस कंडीशन में हमको क्या होती है, ज़्यादा धारा प्राप्त होती है। और इसके अलावा एक तीसरा मिश्रित क्रम भी होता है, तो कभी कभी हमको मिश्रित क्रम भी अपनाना पड़ता है। मिश्रित का मतलब हो गया श्रेणी प्लस समांतर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले श्रेणी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और फिर बहुत सारी ऐसी पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो पहले हम किसी एक लाइन को देखते हैं, ये एक पंक्ति हमारी मान लेते हैं, इस एक पंक्ति में ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सब किस क्रम में जुड़ी है, श्रेणी क्रम में। और मान लेते हैं सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध कितने, स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ सेलें एक जैसी हैं, इनके विद्युत वाहक बल भी एक जैसे हैं, आंतरिक प्रतिरोध भी एक जैसे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने एन सेलें जोड़ दी,
और फिर आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी पंक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं, कितनी अहम पंक्तियां। और ये जो पंक्तियां हैं ये ए और बी पॉइंट्स के बीच, ए और बी पॉइंट्स के बीच किस क्रम में जुड़ी हैं, समांतर में। तो यहाँ पर ये एक पंक्ति में सेल हैं तो श्रेणी में है, लेकिन ये पंक्तियां आपस में समांतर में, ऐसा क्रम क्या हो गया हमारा, मिश्र क्रम। इसके लिए हम देखते हैं कि हमको धारा कितनी प्राप्त होगी। तो उसके लिए पहले हमको कुल प्रतिरोध और कुल विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालते हैं एक पंक्ति का प्रतिरोध, यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक लाइन को देख लें, इस एक लाइन का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो एक सेल का कितना है आर, और हमने कितनी सेलें जोड़ी है एन, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एन इंटू आर। तो एक पंक्ति का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो हो जाएगा एन आर। अब अगर इसका एन आर होगा, इस पंक्ति का भी एन आर होगा, इसका भी एन आर होगा, इसका भी एन आर होगा, इसका भी एन आर होगा, और ये सारी पंक्तियाँ पैरेलल में जुड़ी हैं। तो पूरे परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए हम समांतर क्रम का सूत्र लगा देते हैं, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। यहाँ आर वन क्या है एन आर, आर टू भी क्या है एन आर, तो 1/r इक्विवेलेंट यानी परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकलेगा, 1/r1 यानी 1/nr प्लस 1/r2 यानी दूसरी पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, यानी ये भी क्या है हमारा एन आर। ऐसी जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने पदों तक हम इसको लिख लेंगे, या हमने पंक्तियाँ कितनी मानी है एम, तो उसका एम पदों तक लिख लिया हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा m/nr, तो 1/r eq = m/nr। यहाँ से r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा nr/m। तो ये आ गया हमारा कुल आंतरिक प्रतिरोध। बाहर से कितना प्रतिरोध लगा है r, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाहर का प्रतिरोध है अंदर का प्रतिरोध, यानी r + nr/m। तो इसमें पहले हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं कि टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो पहले एक पंक्ति का निकालते हैं, तो एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है ई, और कितनी सेलें हैं एन, तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा एन इंटू ई। अब इस पंक्ति का विद्युत वाहक बल एन ई है, इस पंक्ति का भी एन ई होगा, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, इसकी इसका भी एन ई, तो पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल, अगर हम एम पंक्तियों का विद्युत वाहक बल निकालें तो अगर हम मैथ्स के रूल लगाएं तो एन ई इंटू एम हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूल क्या है समांतर क्रम का, कि जितना एक पंक्ति का होता है उतनी सभी पंक्तियों का होता है। तो अगर एक पंक्ति का एनी है तो इसके ऊपर कितनी ही पंक्तियाँ क्यों ना लगी हो, जो कुल विद्युत वाहक बल है वो एनी रहेगा, वो हमारा बदलेगा नहीं। तो अगर एक पंक्ति का एनी है तो पूरे परिपथ का यानी एम पंक्तियों का भी कितना होगा, एनी होगा। अब हम बैटरी से प्राप्त धारा निकाल लेते हैं आई। तो आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर कुल विद्युत वाहक बल यानी एनी, और नीचे कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी r + nr/m। अगर एलसीएम ले लें इसका m, m ऊपर चला गया, m इंटू एन इंटू ई अपॉन mr + nr, या तो ऐसे याद कर सकते हैं या ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये मिश्रित क्रम के लिए सूत्र हो गया। तो अगर सेलें मिश्रित क्रम में जुड़ी हैं तो उससे हमको कितनी धारा प्राप्त होती है, तो उसके लिए इस व्यंजक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब मिश्रित क्रम का उपयोग कब करते हैं, जब अभी हमने पीछे पढ़ा कि समांतर क्रम का यूज़ कब करते हैं, जब आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो, और श्रेणी क्रम का यूज़ करते हैं जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो। और मिश्रित क्रम इनके बीच का क्रम है, तो इसका यूज़ कब करते हैं, जब बाह्य प्रतिरोध का कुल मान आंतरिक प्रतिरोध के कुल मान के बराबर हो। बाह्य प्रतिरोध क्या है आर, और हमारा जो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आया था nr/m। तो अगर आर बराबर nr/m हो, यानी जो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो वो कुल बाह्य प्रतिरोध के ठीक बराबर हो, तो उस कंडीशन में धारा सबसे ज़्यादा मिलती है। तो उस कंडीशन में मिश्रित क्रम यूज़ किया जाता है। अगर आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो तो समांतर, कम हो तो श्रेणी, ठीक बराबर हो तो मिश्रित क्रम। ऐसा करने से क्या होता है, हमको धारा सबसे ज़्यादा मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। तो ज़्यादा धारा मिलेगी उसका मतलब बैटरी बनाने का हमको फ़ायदा होगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं अपना किरचॉफ लॉ, जो आपके पेपरों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इसके अलावा ये नियम लिखने को भी आ जाते हैं। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसी जटिल परिपथ में धारा के वितरण को दिखाने के लिए दो प्रकार के नियम दिए, जो किरचॉफ के नियम कहलाते हैं। तो इसमें हम पहला नियम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल, यानी संधि का नियम या धारा का नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ के प्रत्येक संधि पर मिलने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। यानी जो सिग्मा आई है हमारा, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई वैद्युत परिपथ में कोई जंक्शन है
वहां पर जितनी भी धाराएं होंगी उन सबका जो बीजगणितीय योग होगा सिग्मा आई, वो हमेशा कितना होता है शून्य के बराबर होता है। तो इसको समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा चिन्ह प्रणालियाँ दे देते हैं। तो इसके लिए चिन्ह प्रणालियाँ क्या है कि जो इनकमिंग करंट होती है ऐसी धाराएं जो संधि की ओर आती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ दी जाती हैं, तो जो संधि से दूर जाएंगी उसको हम माइनस साइन के साथ लेंगे। इनकमिंग करंट पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव, जो संधि की ओर जाएगी पॉजिटिव और जो संधि से दूर जाएगी वो नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। इन दोनों को अगर हम इस चित्र में लगाएं तो इसको समझने के लिए एक चित्र देखते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि संधि कौन सी है हमारी, जहाँ बहुत से तार आपस में मिल रहे हैं, संधि कौन सी है, ओ। तो इस ओ संधि के लिए हमने किरचॉफ का पहला नियम लगाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आई वन करेंट है ये संधि की ओर आ रही है, तो ये चिन्ह नियम लगाएंगे तो किस साइन के साथ लेंगे हम धन। आई टू करेंट संधि से दूर जा रही है तो इसको हम माइनस साइन के साथ लेंगे। आई थ्री भी संधि से दूर जा रही है, इसको भी माइनस साइन के साथ लेंगे। आई फोर संधि की ओर जा रही है, इसको हम प्लस साइन के साथ ले लेंगे। और जो आई फाइव है हमारी वो संधि से दूर जा रही है, तो इसको हम माइनस साइन के साथ ले लेंगे। तो इस ओ के लिए जो टोटल आई होगी वो कितनी होगी, जीरो, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। और सिग्मा आई के लिए हम पांचवें करंट को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री प्लस आई फोर माइनस आई फाइव इजिकल टू जीरो। आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री प्लस आई फोर माइनस आई फाइव इजिकल टू जीरो। अब यह इसमें अगर माइनस वालों को हम उधर ले लें, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस वाले उधर गए प्लस हो गए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई वन प्लस आई फोर, यहाँ क्या बचे हमारे आई वन और आई फोर, तो आई वन प्लस आई फोर इजिकल टू आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव। किरचॉफ के प्रथम नियम को दो प्रकार से कह सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग, ये धाराएं क्या हैं जो संधि की ओर जा रही हैं, वो क्या होता है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जितनी धाराएं संधि की ओर आएंगी उतनी ही धाराएं दूर भी जाएंगी, संधि की ओर आने और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। नियम से रिलेटेड सारी पीडीएफ फाइलें आपको नोट्स के लिए नीचे लिंक पे मिल जाएंगे, उनको आप आसानी से डाउनलोड करके नोट्स बना के नियमों को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो अभी आपको केवल लेक्चर सुन के वीडियोज को समझना है, उनको उतारने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल के नोट्स लिंक में दिए गए हैं। तो आई वन प्लस आई फोर इजिकल टू आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव। और इसमें कभी एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो आपने ध्यान रखना है कि किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धारा का मतलब आवेश क्या है ना, तो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है, माने संधि पर जितना आवेश आ रहा है उतना ही धारा चला जा रहा है, उतना ही आवेश चला जा रहा है, तो संधि पर जो आवेश है वो नियत रहेगा, तो संधि पर आवेश कभी भी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस दर से आवेश आ रहा है उसी दर से बाहर भी चला जा रहा है, जितनी धाराएं आ रही है उतनी धाराएं बाहर चली जा रही है। धारा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी, आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी। तो अगर आई हमारा सिग्मा आई जीरो है तो संधि के लिए जो सिग्मा क्यू होगा वो भी क्या होगा, जीरो, यानी संधि पर आवेश ना तो इकट्ठा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो संधि पर जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट बना रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और आते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, तो दूसरा नियम को हम पाश का नियम या लूप का नियम भी बोलते हैं। तो इस नियम के भी बहुत सारे कथन हैं, एक तो हमने ध्यान रखना है कि ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, पहला तो आवेश संरक्षण पर होता है, दूसरा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो इसके लिए सूत्र रूप क्या होता है, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, यानी अगर कोई विद्युत परिपथ है उसमें कोई बंद पाश है या लूप है, लूप का मतलब कोई बंद आकृति, उस बंद आकृति के लिए जितने भी सेल कार्य कर रहे होंगे उनके विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, उस लूप में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, सिग्मा आई बराबर सिग्मा आई आर। लूप में जो भी ई काम कर रहा होगा उसको जोड़ लेना है आपने, और लूप में जो भी करंट वेरी होगी उसको प्रतिरोध से गुणा करके उनको जोड़ देना, तो हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएंगे। सिग्मा ई का मतलब दी गई ऊर्जा, सिग्मा आई आर का मतलब खर्च ऊर्जा, जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है वो बाहर खर्च ऊर्जा के बराबर होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो
इसके लिए भी कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं चिन्ह प्रणालियाँ। ये पहली चिन्ह प्रणालियाँ क्या है, विद्युत वाहक बल के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, कि ये कब प्लस में लेते हैं कब माइनस में लेते हैं। तो इसके लिए रूल क्या है कि अगर हम किसी सेल में प्लस से माइनस की हो जाए तो उसका जो विद्युत वाहक बल है वो नेगेटिव साइन के साथ देते हैं, और अगर माइनस टू प्लस जाए तो पॉजिटिव साइन के साथ। इसमें कोई एक रूल याद कर लेते हैं हमें, हमारा रूल क्या है कि अगर हम माइनस टू प्लस प्लेट की तरफ चले ऋण से धन की ओर, तो जो हमारा ई आएगा, हमारा जो विद्युत वाहक बल आएगा वो प्लस में आएगा, कब, जब माइनस से प्लस की हो जाएंगे। तो ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ की हो जाएंगे तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव, और अगर प्लस टू माइनस जाएंगे तो विद्युत वाहक बल नेगेटिव हो जाता है, पहला रूल। और दूसरा आरएचएस के लिए रूल होता है, सिग्मा आई आर के लिए। तो इसका रूल आसान सा है कि अगर हम धारा की दिशा में जाएं, तो सपोज ये धारा है मान लेते हैं, यहाँ धारा जा रही है और ये प्रतिरोध आर1 है मान लो, या आर है मान लो, तो अगर धारा यहाँ को बह रही है और हम भी लूप में इधर को जा रहे हैं, यहाँ को धारा की दिशा में, तो तब जो इनका जो प्रोडक्ट आएगा आई आर वो क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर धारा के विपरीत जाएं हम ऐसे जाएं, तो तब जो हमारा गुणनफल आई आर है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन कन्वेंशन सीखने जरूरी है, बिना चिन्ह नियम के किरचॉफ के नियम अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो उसके सिंपल से रूल है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ई की दिशा माइनस टू प्लस प्लेट होती, तो अगर ई की दिशा में जाएं तो ई पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, और ऐसे यहाँ अगर धारा की दिशा में जाएं तो आई आर पॉजिटिव, और धारा के विपरीत जाएं तो आई आर नेगेटिव। तो एल एच एस और आर एच एस के लिए ये दो रूल हो गए। इन दोनों को अप्लाई करते हैं एक चित्र में। तो इसको समझने के लिए हमने एक विद्युत परिपथ ले लिया है, एक आयत ले लिया है बी सी डी। तो यहाँ दो सेलें जुड़ी हैं, एक ई वन एक ई टू, यहाँ तीन प्रतिरोध हैं, एक आर वन, एक बीच में विकर्ण में भी प्रतिरोध जुड़ा है आर टू, और एक नीचे प्रतिरोध जुड़ा है आर थ्री। तो इसमें पहले थोड़ा धाराओं को समझ लेते हैं कि सेल से करंट मिलती है। तो पहली सेल ने कितनी करंट दी आई वन, और ये जो दूसरी सेल है ये कितनी करंट दे रही है आई टू। धारा कहाँ से कहाँ की हो जाती है, माइनस टू प्लस, एक करंट यहाँ से आ रही है एक करंट यहाँ से आ रही है, तो यहाँ दोनों मिल गई है, संधि हो गई है। यहाँ किरचॉफ का पहला नियम लगा देते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो अगर यहाँ से आई वन आ रही है यहाँ से आई टू आ रही है, तो यहाँ आर टू में कितनी धाराएं बहेंगी, ये दोनों मिलके बहेंगी, यानी यहाँ कितनी धाराएं बहेंगी, आई वन प्लस आई टू। तो आर टू में करंट बह रही है आई वन प्लस आई टू। अब जैसे ये करंट यहाँ पहुँचेगी तो आई वन करंट ऊपर को चले जाएगी, आई टू करंट ई टू में आ जाएगी, जो सेल जिस पेट से शुरू होती है वहीं पर एंड भी होती है। यहाँ ई टू की धन प्लेट से हमने आई टू निकाली थी, तो आई टू यहाँ ऋण प्लेट पर आ जाएगी, यहाँ से आई टू यहाँ पर आ जाएगी और आई वन ऊपर को चले जाएगी। तो इसमें हमारे दो लूप बन रहे हैं, लूप माने बंद आकृति, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए बी सी और एक ए डी सी। लूप का नाम लिखते हैं तो एक बंद शेप में देते हैं, तो पहले हमने ले लिया लूप ए बी सी है, लूप ए बी सी, और फिर वापस ए पर आ गए, जिसको हमने इस मुड़े हुए तीर से दिखा रखा है, ये हमारा पहला लूप है। तो इस पहले लूप में हम ऐसे गए ए बी सी ए डायरेक्शन में। लूप का नाम आप किसी भी क्रम में रखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसी लूप को हम बी ए सी बी या सी बी ए सी करके भी लिख सकते थे, इससे रिजल्ट पे हमारे जो फाइनल इक्वेशन आएगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लूप का नाम किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। तो हमने ए बी सी ए लिया है, ए बी सी ए, तो इसमें पहले लगाते हैं सिग्मा ई, तो ए से बी में गए हम, तो कौन सा सेल मिला हमको, यहाँ ई वन। अब यहाँ देखना है हमने ई वन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो ये जो बड़ी प्लेट है ये सेल की धन प्लेट है, और ये ऋण प्लेट छोटी प्लेट है। हम जा रहे हैं ए से बी, हम लूप में गए ऐसे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रहे हैं। तो जब प्लस टू माइनस जाते हैं तो ई नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि ई की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर। सेल का विद्युत वाहक बल है ऋण से धन की ओर काम करता है, जबकि हम जा रहे हैं धन से ऋण की ओर, तो ये जो हमारा ई आएगा वो नेगेटिव में आएगा। फिर जाते हैं बी से सी, यहाँ तो कोई सेल है नहीं, फिर सी से यहाँ भी कोई सेल नहीं, तो ए बी सी ए में केवल एक ही सेल था हमारा ई वन, तो सिग्मा ई की जगह क्या आ गया, ई वन, लेकिन उसका जो चिन्ह आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब बनाते हैं सिग्मा आई आर, तो पहले जाते हैं ए से बी, तो यहाँ धारा कौन सी है, आई वन, और यहाँ प्रतिरोध कौन सा है, आर वन, तो इनका गुणनफल ले लेते हैं, हो जाएगा आई वन इंटू आर वन। अब यहाँ देखते हैं कि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं या विपरीत,
धारा बह रही है बी से ए की ओर, जबकि हम कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर, तो हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो इनका जो गुणनफल आएगा वो हमारा ऋण चिन्ह के साथ आ जाएगा, यानी माइनस आई वन आर वन। फिर जाते हैं बी से सी में, यहाँ तो कोई प्रतिरोध है नहीं, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही आ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। फिर जाते हैं हम सी से ए में, तो जब सी से ए में गए तो यहाँ धारा कौन सी है आई वन प्लस आई टू, और यहाँ प्रतिरोध कौन सा है आर टू, तो इनका गुणनफल हो जाएगा आई वन प्लस आई टू इंटू आर टू। लेकिन यहाँ भी हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा बह रही है ए से सी की तरफ, धारा कहाँ से कहाँ की बह रही है ए से सी, लेकिन हम जा रहे हैं सी से, इनका जो गुणनफल आएगा वो प्लस में नहीं आएगा बल्कि माइनस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से लूप ए बी सी ए के लिए जो हमने किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर एक लूप और बन रहा है हमारा, लूप ए सी डी ए नीचे वाला है सेकेंड लूप, तो इसमें भी हम किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं। हम जा रहे हैं ए, ए से फिर जा रहे हैं सी, फिर सी से जा रहे हैं डी, और फिर डी से वापस ए में आ जा रहे हैं, तो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो इसके लिए हम लगाते हैं सिग्मा ई, तो सिग्मा ई यहाँ इस त्रिभुज में कितने सेल हैं, ए की सेल है ई टू, हमने देखना है कि ई टू प्लस में आएगा माइनस में, तो उसके लिए हमको एक प्लेटें पता होनी चाहिए कि ये प्लस प्लेट है इसकी बड़ी वाली, और छोटी वाली प्लेट इसकी ये माइनस है। तो अब हम जा रहे हैं ऐसे ए से सी, सी से डी, यानी ऋण प्लेट से हम काम को चले धन प्लेट की ओर, तो ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, उसके अंदर ई टू क्या आएगा हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ ई टू मिल गया हमको पॉजिटिव प्लस ई टू, इसका काम खत्म हो गया। आते हैं आर एच एस, तो आर एच एस से सिग्मा आई आर, तो पहले ए से सी में जाते हैं, ए से सी, ए से सी में इनका गुणनफल क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू इंटू आर टू, धारा बेरी नीचे को, हम भी जा रहे हैं नीचे को ए से सी की तरफ, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो गुणनफल धनात्मक आएगा। फिर जाते हैं हम सी से डी, सी से डी, सी से डी में गए, तो यहाँ धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या आ जाएगा आई टू इंटू आर थ्री, और यहाँ भी हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव आ जाएगा प्लस आई टू इंटू आर थ्री। फिर जा रहे हैं हम डी से, डी से हमें तो कोई प्रतिरोध है नहीं, तो यारी भुजा को छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार लूप ए सी डी ए के हमने सेकेंड और लगाया, तो हमारी यारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। तो इस प्रकार जो लूप है यानी जो बंद पाश है उनमें किरचॉफ के सेकंड लॉ को लगाया जा सकता है। और जब हम इस पर बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या होता है कि ई वन ई टू का मान दिए रहेंगे हमको, ई वन ई टू आर वन आर टू इनके मान दिए रहेंगे, उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आई वन और आई टू। तो किरचॉफ के नियम का महत्व तो क्या है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी जटिल परिपथ में धारा के वितरण को दिखा सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये एक जटिल परिपथ था, तो अगर हमको पता करना है कि R2 में कितनी करंट बह रही है, R1 में कितनी करंट बह रही है, R3 में कितनी करंट बह रही है, तो बिना किरचॉफ के नियम के बहुत ही कठिन हो जाता है। तो किरचॉफ के नियम की सहायता से आसानी से I1 I2 याद किए जा सकते हैं। पहले हम दो पाश लेंगे, उनमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, दो समीकरणें बन जाएंगी, उनको हल करने पर I1 और I2 के मान मिल जाएंगे, इनको सॉल्व करोगे तो I1 आ जाएगा हमारा और I2 आ जाएगा, तो यानी हमको पता चल जाएगा कि इस जटिल परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धाराएं बह रही हैं। जो I1 होगी वही R1 में बहने वाली धारा हो जाएगी, जो I2 होगी वो R3 में बहने वाली धारा होगी, और जो इनका योग होगा वो क्या होगा R2 में बहने वाली धारा। तो इन नियमों को और अच्छे से समझने के लिए इन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि निम्न परिपथ में गणना कीजिए छः ओम के तार में धारा, तो यहाँ जो छः ओम का प्रतिरोध है बीच में प्रतिरोध, इसमें हमने धारा ज्ञात करने की कितनी बहेगी। तो उसको करने का तरीका क्या है कि पहले सबसे पहले हम धारा वितरण दिखाते हैं, तो धारा कहाँ से मिलती है सेल से, सेल दो है यहाँ पर, एक चार वोल्ट की और एक दो वोल्ट की, तो एक तो धारा हमको यहाँ से मिलेगी, एक करंट तो यहाँ से आ रही है, मान लेते हैं यहाँ से कितनी करंट आ रही है आई वन, तो यहाँ से आई वन करंट आई और ये ऐसे करके बहेगी आई वन, और यहाँ से होती हुई यहाँ को चले जाएगी, यहाँ भी कितनी करंट मिलेगी हमको आ रही है आई वन, और ये भी करंट मान देते हैं आई वन, तो यहाँ से हमको ये आई वन करंट मिली है। अब जो दूसरी करंट मिलेगी हमको ये दो वोल्ट की सेल से मिलेगी माइनस टू प्लस, मान लेते हैं यहाँ से करंट कितनी आ रही है आई टू, यहाँ से जो करंट मिल रही है उसको हमने आई टू से डिनोट कर दिया, तो ये ऊपर को बहेगी आई टू, तो जब ये यहाँ जाएगी तो यहाँ फिर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लग जाएगा, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, तो यहाँ से I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है,
यहाँ पर मिलके कितनी धाराएं बहेंगी, आई वन प्लस आई टू। तो यहाँ जो हमारी 6 ओम में करंट है वो कितनी बहेगी, आई वन प्लस आई टू। जब ये आई टू करंट, आई वन टू आई टू करंट यहाँ पहुंचेगी तो आई वन करंट ऊपर चलेगी, तो उसका मतलब बची कौन सी हमारी, आई टू करंट। तो आई टू करंट यहाँ नीचे आ जाएगी, ये आई टू करंट यहाँ नीचे आई और यहाँ भी आई टू करंट बहेगी। तो इस प्रकार पहले हमने क्या किया, जो डायग्राम था उसको ध्यान से समझते हुए धारा के वितरण को दिखा दिया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमको 6 ओम में धारा निकालनी है। तो 6 ओम में कितनी धारा बह रही है, आई वन प्लस आई टू। तो एक बार हम याला बंद पास लेंगे और एक बार याला बंद पास लेंगे और किरचॉफ के द्वितीय नियम को इन दो पाशों के लिए लगा देंगे, उससे दो समीकरणें बनेंगी, उनको हल करेंगे तो आई वन आई टू आ जाएंगे। उन आई वन आई टू को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16/63 एम्पियर। नीचे PDF फाइलें ली हैं, उनमें पूरा सॉल्यूशन इसका दे रखा है, आप चाहो तो उनको डाउनलोड करके ध्यान से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो जैसे हम इसको अगर हम पाश एक में लगाएं, तो पाश एक कौन सा है हमारा, ADCB है। तो हम ये पाश के नाम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया ADCBA। यहाँ से पाश को स्टार्ट करना है, वहीं पर एंड करना है, ऐसे शुरू किया तो यहीं पर ही एंड होगा। तो हमने पाश ले लिया ADCBA, यानी ऊपर वाला रेक्टेंगल ले लिया, ऊपर वाला आयत ले लिया। यहाँ पर हमने सेकंड लॉ लगाना है, तो सेकंड लॉ क्या होता है हमारा, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। पहले तो सेकंड लॉ याद होना चाहिए, तो सेकंड लॉ होता है हमारा सिग्मा आई आर इजिकल टू सिग्मा ई। तो इस सेकंड लॉ को हमने इस पार्श के लिए लगाना है। तो पहले यहाँ से यहाँ जाते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के आई आर तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल देना है। तो पहले ए से डी में जाते हैं, ए से डी में यहाँ धारा कौन सी आई वन, प्रतिरोध कौन सा है 5, इनका गुणनफल लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 I1। ऐसे ही फिर यहाँ से आगे हो जाते हैं डी से, इनका गुणनफल ले लेते हैं 6 I1 + I2। और चूंकि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जाने पर जो गुणनफल आता है वो हमारा पॉजिटिव आता है। फिर जाते हैं हम सी से डी की तरफ, सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ, यहाँ प्रतिरोध कितना है 4, धारा कौन सी है I1, इनका गुणनफल ले लेते हैं तो हो जाएगा +4 I1। फिर जाते हैं हम बी से ए की तरफ, तो यहाँ प्रतिरोध है 3, धारा है कौन सी I1, इनका गुणनफल ले लेंगे तो 3 I1। और ये सब हमारे गुणनफल पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब राइट हैंड साइड में क्या है, सिग्मा ई। तो सिग्मा ई माने सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। तो इस आयत में कितनी सेल है, केवल एक ही सेल है 4 वोल्ट की। और हम देखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ, यानी ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ। जब -2+ जाते हैं तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव में लेते हैं, तो बराबर सिग्मा ई की जगह मिल गया हमको 4। ये आ गया हमारा 4। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें, ये 5 I1 है, ये कितना है 6 I1, ये कितना है 4 I1। तो इनको ऐड कर देते हैं और ये कितना है 3। तो 6, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18। तो ये आ गया हमारा 18 I1 और I2 कितने है हमारे यहाँ 6 + 6 I2 इजिकल टू विद्युत वाहक बल कितने हैं 4। तो ये हमने जब सेकंड लॉ लगाया तो ये आ गई हमारी पहली समीकरण। अब इसी प्रकार जो हम इस सेकंड पार्श में लगाएंगे, दूसरे पार्श को लेकर सेकंड लॉ, तो एक और इक्वेशन बन जाएगी हमारी, तो वो भी I1 और I2 के पदों में आएगी। सपोज वो आ गई 2 I1 + 10 I2 = 2, मान लेते हैं ऐसी इक्वेशन आ गई। तो अब ये आपके 10th के लेवल का क्वेश्चन बन गया कि यहाँ पर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण है, एक्स वाई करके मान सकते हैं उसको, 18x + 6y = 4। ऐसी जो सेकंड इक्वेशन है वो भी हमारी एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएगी। तो उनको सॉल्व करेंगे अब प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से, तो हमारे एक्स वाई यानी I1 I2 आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, पार्श एक को लेके सेकंड लॉ लगा के इक्वेशन बनानी है, तो हमने बना दी। ऐसे सेकंड पार्श को लेके आप एक दूसरी इक्वेशन बनाइए, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा हमारा I1 और I2। अब जो हमारा I1 I2 आएगा हम दोनों को जोड़ देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, हमारी 6 ओम में बहने वाली धारा आ जाएगी। तो अगर आपने ग्यारह न्यूमेरिकल कर दिया तो आप किरचॉफ नियम पर आधारित ज़्यादातर न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करके आराम से इसको एक बनाने की कोशिश कीजिए,
अगर फिर भी आपको नहीं आएगा आंसर, इसके नीचे लिखे हैं 16/63 एम्पियर और 3.38 वोल्ट। अगर आपको नहीं आएगा तो नीचे PDF फाइल दिए हैं, उनमें पूरा सॉल्यूशन है, तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हमने किरचॉफ के नियम और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।